First I will play one line of song, then I'll tell you the notations. Ga pa pa, ma pa pa dha, ma pa pa. We'll play again. Next part. Ni 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 sa da da ma pa pa. That's it. अब यहां बजाते समय मैंने सा का हल्का सा कर्ण दिया है, जैसे कि और सदा ध को सा का, और सा के वक्त मैंने रे की उंगली थोड़ी सी अपनी जगह से हिलाई है, तो एक अलग सा इफेक्ट आ गया है। आई विल प्ले सेम लाइन अगेन। अब तक जो हमने लाइन के नोटेशन लिए वो मैं भी पूरी लाइन बजाता हूं। Now the next line. Pa pa dha dha sa sa re ni sa sa. Pa pa dha dha sa sa re ni sa sa. Pa pa da da sa sa re ni sa sa. Now the next line. अभी ये जो line है, this line is similar to the first line which we played at the starting of the song. Sa re sa sa re ga re re. Sa re sa sa dha. Ye dha hai. Dha is one of the toughest swar in flute. So you have to play this part very carefully. Sa re ga, sa re ga. Again, komal ga is there and shuddha ga is there. I'll play this part again. Sa re sa sa re ga re re. Sa re sa sa dha dha. Sa re ga, sa re ga. अगेन द फर्स्ट लाइन अब जो हमने शुरुआत की थी गाना बजाते समय, तो ये नोटेशंस आर सेम, वर्ड्स यहां पे चेंज हो रहे लेकिन नोटेशन जो है वो सिमिलर है। ग प प म प प ध म प प Ni 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 sa da da ma pa pa.
papadhada sa sare ni sa sa. इस गाने में बहुत सारे जगह पर मीन का उपयोग किया गया है, पर कोमल स्वर का भी उपयोग किया गया है, जैसे कि शुरुआत में ही ये जो है मा पा पधा, ये मीन है। और मीन कैसे प्रैक्टिस की जाती है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मीन, और इसमें जैसे अंतरा में कोमल ध का, कोमल ग का उपयोग किया है, या और कुछ जगह पे हल्का सा कर्ण दिया हुआ है, जो मैंने बताया था कि, तो अलग अलग कर्ण होते हैं, वो किस प्रकार बजाए जाने चाहिए, और ये जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है फ्लूट के, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डाउनलोड ऐप माई गुरुकुल, इट इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एज वेल एज ऑन iOS। आई होप आपको ये गाना पसंद आया होगा, और ऐसे बहुत सारे गाने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं माई गुरुकुल ऐप में।